शिमला में 5 दिन तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्म उत्सव की कड़ी में शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर 600 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सामूहिक नाटी डाली, जिसके जरिए महिलाओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। जिला प्रशासन की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्म उत्सव तो हर वर्ष मनाया जाता है, लेकिन इस बार बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे हैं, जिसको देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। देवभूमि हिमाचल की जिला बिलासपुर की ऊंची पहाड़ियों पर जमकर बारिश हुई। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में तेज तूफान और बरसात के साथ साथ रात भर ओलावृष्टि भी हुई। श्री नैना देवी और स्वारघाट में रात भर बिजली नहीं थी, जिससे श्रद्धालु व पर्यटक परेशान हुए। हालांकि हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठों पर प्रचंड गर्मी का प्रकोप जारी था, लेकिन गत रात तेज बरसात तूफान और ओलावृष्टि ने एक बार फिर इन हिमाचल के पहाड़ी शक्तिपीठों पर गर्मी से स्थानीय लोगों को, श्रद्धालुओं को और पर्यटकों को भी राहत पहुंचाई है। हालांकि अब यहां का तापमान सामान्य बना हुआ है। अभी भी मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि आने वाले 2-3 दिनों में बरसात तूफान हो सकता है, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने तेज गर्मी से काफी राहत की सांस ली है। जिला बिलासपुर के स्वारघाट उपमंडल के अंतर्गत पिछले 2 महीनों से बंद की गई सड़क को खुलवाने गए पुलिस प्रशासन और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को महिला के विरोध का सामना करना पड़ा। महिला का कहना था कि ये सड़क उसकी मलकियत भूमि पर बनी है और सड़क न खोलने पर अड़ी रही। महिला ने लोक निर्माण विभाग और प्रशासन के कर्मचारियों पर हाथापाई का प्रयास भी किया। इस दबंग महिला ने काफी समय तक प्रशासन पुलिस को रास्ता खोलने से रोके रखा। आखिरकार बड़ी मुश्किल से प्रशासन और पुलिस ने रास्ता खुलवाया। ग्राम पंचायत तंबोल के नेराकोंड संपर्क मार्ग को आवाजाही के लिए बहाल किया और सैकड़ों ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। उल्लेखनीय है कि करीब 2 महीने पहले इस संपर्क मार्ग को एक व्यक्ति और महिला ने, जहां पर उसकी मलकियत भूमि थी, उस पर बड़े बड़े पत्थरों और कंटीली झाड़ियों से बंद कर दिया था, जिसके चलते तंबोल पंचायत के नेराकुंड, आधा तंबोल गांव, चियोटा व खुनकल आदि गांवों की जनसंख्या को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लोगों को अपने वाहन तंबोल सड़क पर खड़े कर 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलकर घरों तक पहुंचना पड़ रहा था, तो वहीं ट्रैक्टर आदि न जाने से लोगों के खेत अभी तक जोते नहीं गए थे। लेकिन अब मार्ग बहाल करने से उक्त गांवों की जनता ने राहत की सांस ली है और एसडीएम स्वारघाट का धन्यवाद किया है। आपको बता दें कि तंबोल से नेराकुंड के लिए बनाए गए संपर्क मार्ग करीब 35 साल पुराना है, जिसे उक्त व्यक्ति जिसने मार्ग को रोका था, उसकी माता की सहमति से उनकी जमीन से निकाला गया था और उस समय कोई कागजी कार्रवाई इत्यादि नहीं की जाती थी, केवल सहमति से ही सड़क निकाल दी जाती थी। करीब 2 महीने पहले उक्त व्यक्ति ने इस मार्ग को बड़े बड़े पत्थर फेंक कर बंद कर दिया था। हालांकि उसने मार्ग किस कारणवश बंद किया नहीं बताया है। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत एसडीएम स्वारघाट से की थी, जिसके बाद उक्त व्यक्ति की माता को एसडीएम कार्यालय बुलाया गया था, जहां पर व्यक्ति की माता ने उक्त मार्ग पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की थी। इसके बाद एसडीएम स्वारघाट अनिल चौहान ने लोक निर्माण विभाग सड़क मार्ग को खोलने के आदेश 31 मई तक दिए थे। 31 मई को तो किसी कारणवश मार्ग बहाल नहीं हो पाया था, लेकिन सोमवार को लोक निर्माण विभाग ने इसे मौके पर जाकर खुलवा दिया है। मौके पर एसडीओ पीडब्ल्यूडी मौजूद रहे और जेसीबी द्वारा पत्थरों को सड़क से हटाया गया। सोलन में फुटबॉल प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। सोलन में 7A साइड फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। इस प्रतियोगिता में खास बात ये है कि इसमें ज्यादातर मैच चिलचिलाती धूप के बजाय रात को होंगे। ये प्रतियोगिता सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में आयोजित होगी। इस प्रतियोगिता में जीतने वाली टीमों को आकर्षक इनामों के साथ साथ नगद इनाम भी दिए जाएंगे। अधिक जानकारी देते हुए 7A साइड फुटबॉल संघ के अध्यक्ष विपिन वर्मा ने बताया कि
7A साइड फुटबॉल प्रतियोगिता में उत्तर भारतवर्ष से करीबन 50 टीमें हिस्सा लेंगी। इस प्रतियोगिता में खिलाड़ी रात को अपने खेल प्रतिभा के जौहर दिखा पाएंगे। उन्होंने बताया कि हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल की टीमों के साथ साथ अन्य जानी मानी टीमें भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। उन्होंने बताया कि युवा आजकल अपनी शक्ति का उपयोग नशे में लगा रहे हैं, इसलिए उनकी शक्ति का सदुपयोग करने और उन्हें सही दिशा देने के लिए ये प्रतियोगिता करवाई जा रही है। देश के कोने कोने से पर्यटक सोलन की सुंदरता का आनंद उठाने के लिए पहुंचे हैं। सोलन की हसीन वादियों और यहां की टाय ट्रेन ने सभी को अपना दीवाना बना लिया है। यहां आकर सभी को गर्मी से राहत मिली है। आते ही बारिश ने उनका स्वागत किया, जिसे देखकर प्रत्येक पर्यटक आनंदित दिख रहा है। यहां आकर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि वे जैसे किसी जन्नत में आ गए हैं। चारों तरफ हरे भरे पेड़, हरियाली मानो कालीन बनकर उनका स्वागत कर रही है। पर्यटकों ने सोलन के बारे में अपने दिल की बात बताई और कहा कि उन्होंने टाय ट्रेन के बारे में केवल सुना था, लेकिन आज उन्होंने उसकी सवारी भी की। जो देखने में भी बिल्कुल टाय की तरह ही लगती है और हरी भरी पहाड़ियों और सुंदर नजारों के बीच से गुजरती है तो स्वर्ण की अनुभूति होती है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ में वे करीबन 47 डिग्री तापमान झेल रहे थे, लेकिन जैसे ही यहां आए तो मौसम काफी खुशनुमा देखने को मिला और गर्मी से राहत भी मिली। उन्होंने कहा कि जो नज़ारे कालका से सोलन तक टाय ट्रेन में देखने को मिलते हैं वे कहीं नहीं मिलते।